या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवीति वीर देवे सदा वंदिता सा माम पातु मीरा भगवती निशेष जाट्यापा ओम सर्वगने सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुखहरे देवी महामीरा नमोस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोस्तुते अत्यंत रहिते देवी आद्य शक्ते महेश्वरी योग दे योग संभुते महामीरा नमोस्तुते महामीरा नमोस्तुते। मा आज आलोचना रही चिरंतन बहर पृष्ठा 173 विषय वस्तु रोज आध्यात्मिक अभिज्ञता माँ लिखुंट माँ को प्रश्न कर प्रथम माँ आप आध्यात्मिक अभिज्ञतार कथा कहती से अभिज्ञता टी कौन एवं किपर लाभ कराए माँ उत्तर लिखुंट यह एपरी एक अभिज्ञता जहाँकि तुम्हें साधारणतः जो चेतनार स्तर में रही था ताठारु बहु ऊर्ध्वरे एक चेतना सहित तुमको संपर्कित कराई थाए तुम निज संबंधे तुमर एक निर्दिष्ट अनुभव हुए तुम्हें निजे भी से संबंधे जानी पारी न थाओ तुम्हें बुझी थाओ जे एहा हेउची तुमपाई एक साधारण अवस्था। अच्छा जदि हठात एक समय रे तुम भितरे तुम्हें सचेतन हो उठिल जे किछि गोटाए खूब स्वतंत्र अनुभव खूब ऊर्ध्व स्तर अनुभव तुम भितर आसीगला ताहले से जहा हो पछके निश्चय एक आध्यात्मिक अभिज्ञता तुम्हें से अनुभव टी तुम मानसिक धारणा दे गोटे रूप दे पार किंबा नकरी मध्य पार तुम्हें तुम निकटरे ताकू व्याख्या करी पार बा करी न पार से अनुभव टी तुम भितर रही पारे बा चली जाई पारे एहा हठात आसी हठात लेबी मध्य जाई पारे किंतु तुम चेतनारे जेतेबेले तुम्हें एही मौलिक पार्थक्यटी लक्ष्य करिब एवं जेतेबेले स्वाभाविक रूपे चेतनारे सेही विशेष गुणटी खूब ऊर्ध्व स्तर रे होइथिब अधिक स्पष्ट बा परिच्छन्न होइथिब अधिक शुद्ध पवित्र होइथिब ताहले तुम्हे ताकु आध्यात्मिक अभिज्ञता कही पार ता माने एहिपरि हजार हजार अनुभव को तुम्हें आध्यात्मिक उपलब्धि बोली मन करी पार हला आम एठी आध्यात्मिक अभिज्ञता माँ एठी स्पष्ट भावे धीरे धीरे अधिक रु अधिक स्पष्ट करी कहउछंती जणउछंती जे आमर बेले बेले जो अभिज्ञता आसे ताहा को स्तर रु आसुची ताहा केते गुरुत्वपूर्ण आ ता भीतर आध्यात्मिक अभिज्ञता टी प्रकृत रे कौन माँ कहले आमे साधारणतः जो चेतनार जो स्तर रही नॉर्मल किंतु जेते बेले बहु ऊर्ध्वरे एक चेतना सहित आमको आमे कौनसी कारण संपर्कित हेले सेउठु एक अभिज्ञता एक अनुभव आम भितर को से अनुभव संबंध रे आमे बुझी न पारिबार भी कंडीशन भी अछि। देख चेतनार ऊर्ध्व स्तर रु गोटे जिनस जेते आसीब सेते बेले ताहा आम भितर एक नूतन प्रकार अनुभव आणिब परे माँ लिखुन सेटा को जे तुम्हें ताकु रूप दे पार किंबा न दे पार मध्य तुम्हें ताकु व्याख्या करी पार बा करी न पार मध्य सेटा
तुम भीतर को आसीब हठात आसीब हठात पलि जाई पारे एवं आम भीतर रही पारे बा न रही भी पारे किंतु हठात किसी समय पर आसिक तेणु किसी समय पर आसिक सांगे चली जाई पारे किंतु से जो अनुभव टी ऊर्ध स्तर रु आसी दरकार ऊर्ध स्तर जदि आसला सीए ये गोटे कथा लिखें देखु तुम निज संबंधे तुमर एक निर्दिष्ट अनुभव हुए संबंधे जानी पारी न था आमे आमको भलरे चिन्ह न थाई पारू आमे आमको जानी न थाई पारू आमर जन्म हबार उद्देश्य संपर्क रे आमे सचेतन न थाई पारू आमे बर्तन साधारण चेतना स्तर जत रही छु सेते आमे निज संबंधे जानिनु गोटे घटनाटे मन पड़ी घटनाटे कहानी नुह एक सत्य घटना जड़े साधु पाखकु दिज गोटे दंपति स्वामी स्त्री दिज रेगुला आस आश्रम अनेक समय परिश्रम करती सेवा दिंती साधु सेवा करती साधु केवे किसी कहते सब से आसती जाती मझे साधु अन्य जगह को तांकर जीवार थाए से जाइचंती से समय रे तांको जन शिष्य को दायित्व दे जाइचंती आश्रम रो से सब दायित्व टी तांको हाथ रे थाए बुझा बुझी कर से दंपति जनक सहित जेत आसन सब आसन से हठात से दिन आसी देखिले जे साधु नहांती आउ कहले आज कौन साधु नहांती ना हाँ से जाइचंती अन्य काम रे ये तांकर सेवा तांकर जहां जेमती आश्रम जो सेवा दिखती सी तक सेवा देले गले पुणर दिन भी आसिले पचारे भितर सबुदिन धरी कौतूहल थिला बुझापाई जे प्रकृत सीए कौन पाई आसती मान सेवा तो दौरान समस्ते ठीक किंतु जना पड़ था जे गोटे उद्देश्य किसी अच्छी सी जाना को रियली चाहती मान कि गोटे पाइबार आशा अच्छी तेनाली से कौन कले पचारे दिने कहले आपन जे सबुदिन आपन रेगुलरली आसुचान प्रकृत कौन पे आसुचान साधु पाखक कौन आपणकर मनस्कामना अच्छी कौन आपणकर इच्छा अच्छी से कहले आमे आमर पुत्र आमर कौन सी संतान संतति नहांती आ से आम साधु पाक आस साधु कौदिन कृपा हम आमको आशीर्वाद करेंगे आम सतान टे आस कहे ये गोटे कथा आम गुरु हाथ में सब अच्छे गुरु आशीर्वाद कर आज पर्यटन गुरु आशीर्वाद तो करना तेणु ये कहले तुम्हें जाओ व्यस्त हुए जा तुम सतान टे हम कहीदे सी तर गले तापरे आसंती पुनी आसिले सेवा तांगर करंती जांती तापर किछ दिन पर साधु आसी फेरिले साधु फेरला पर पचारले जे आश्रम हालचाल कौन से कहले आज्ञा आ से जो स्वामी स्त्री दिजन आसंती तांगर संतान टे दरकार से आपण पाकु सबुदिन आसुचंती आपण आशीर्वाद करुनांती से फेरिकी जाउचंती गोटे मु कहिदेछि जाओ गुरु आम गुरु अच्छा मान कि ना तुम सतान हम तुम जाओ साधु व्यस्त हो पड़े कहले तमें कौन कल तर सतान भाग्य नाला ए जन्म सतान भाग्य ना आई से मैंने जो उद्देश्य जन्मग्रहण कर उद्देश्य सतान आवश्यक ना कहीं जीवन क्षेत्र में कौ अभिज्ञता नहीं कि से जीवे ये कहे आज मुझे कहीदे मुझे कौन करी ना कहीदे माने तो जदि जदि ता न हुए ताहले तांकर गोटे आशा जो रही साधु मानक प्रति तांकर जो आशाटा रही गोटे सम्मान बोध रही कथाटा भूल हो तेणु देख तू जेहेतु कही तेणु तू जा सतान है जन्म हबु आ गुरुदेव ये कि कथा आपण कहते मुझे असुविधा हो आर गोटे ये जन्मटा मोर नष्ट मुझे एवं सचेतन हो
साधना करिबा आरंभ करिचे आ एबे पुणी थरे जदि जन्म ग्रहण करिवि पुणी छोट छुआ हेबि बढ़िबी बड़ हेबि पुणी केते बेले जाइकिरी मोर माने आसीबो अभी अनुभव आसीबो जे नाही मोर कौन पाई मु जन्म ग्रहण करिचि कहि हबो नाही बहुत वर्ष पुणी बीती जीव मोर समय नष्ट हो जीव आ गुरुदेव किछि करंतु मु किछि आउ पारुने ना देख तू तो आशीर्वाद करिछु माने तते जीवाकु पड़िबो आउ किंतु जीवु आउ से कहला गुरुदेव मो आशीर्वाद पथे जाऊ व्यर्थ किंतु मु आउ थरे एबे जन्म हेकिरी पुणी एते वर्ष नष्ट करि पारिबि नाही कारण आम जो जन्म हेले एपर्यंत बड़ होती से भितर केते वर्ष चली गला आम भगवान समय सचेतन है नु तुम मान तो बर्तमान जो मैंने पिला मैंने बहुत शीघ्र माँ को जानुंच माँ को स्कूल को आस सब तो सौभाग्यवान से बहुत शीघ्र माँ को संस्पर्श आसम जो मैंने बहुत डेरी आसलु आमर तो से समय नष्ट हो जाए ना तेणु से व्यस्त होता कहले गुरुदेव आ देखु मुझी ना कह ना ना तुमको जीवाक पड़ो ना आपन जदि मते गोटे कथा देवे ताहले मु जीवि ना कौन ना मु जन्म हला पर दिन ठारु आपन सबु बेले से दंपति घर को जीवे आ मो सहित किसी समय देवे एवं मते सचेतन करेबे एवं मु जेते बेले सक्षम हेबी मते सेत बेले सेटु मुक्त करके आणिबे पुणी मु जेमती साधना करी बुझी पाल से गुरुदेव कहले हाउ ठीक अच्छे मुझे करी तुम जाओ बर्तमान ये शरीर त्याग कले संतान टे जन्मग्रहण कला बर्तमान यही शिष्य टी जाकर जन्मग्रहण कर तेणु गुरुदेव सब बेले से दंपति सहित संपर्क रखी था जो सत्संग बसा आलोचना शुणती ये रेगुलरली कौन तक बुझु था खबर कौन तक घर परिस्थिति कौन केमती कौन रही सब जिनस बुझुंट कहीं से शिष्य को कथा दे जो दिन जन्म हे शिष्य संतान रूप से गुरुदेव जाइ हजार जेमती जन्म होती सी आस खुशी हो गले जी आज मानने जन्म सतान टे हवा बेलू गुरुदेव आसी पहुंचती तेणु सीए आणिक छुआईले गुरुदेव तुम आशीर्वाद करी ता मंत्र कान मंत्र टी उच्चारण कर दे आसिले यही भाव में जन्म ठार आरंभ जन्म पूर्व एवं जन्म पर पर्यंत सब बेले गुरुदेव जाती मंत्र उच्चारण करती आलोचना करती पुणी आसती जद्वारा सीए जन्म रु सचेतन रही पार ये कौन हो बर्तमान गुरु दायित्व दिया पड़गला अधिक जे पाटे जे जन्म ताकु सब बेले सचेतन कर रखा साधारण यही सुजोग समस्ते पाती ना तेणु आम कौन पाई जन्म ग्रहण करिछु यही जन्म रे माँ मो भीतर दे कौन परिप्रकाश चाहती ये जन्म रे कौ कौ अभिज्ञता मोर अर्जन करिवार अछि मोर सामर्थ्य कौन निज सम्बन्धे आम निजे प्रायतः जाणी न थाउ तेणु जेते बेले आम प्रचेष्टा करी माँ को प्रार्थना करिबा एवं निष्ठापर भाव में आशीर्वाद करने फल जिते ऊर्धतर चेतना सहित जब आम संपर्क हो गला तेब एक अवस्था आसे एक अनुभव भी आसी पारे जो थी कि आम निज सम्बन्धे निजे जानी पारू एवं सेटा बेले बेले सांगसे आसी सांगसे चल जाई पारे आउ गोटे कथा हुए ये जो रूप दे पार बा न दे पार बोले लिखते व्याख्या करिपार बा न करिपार जेहेतु आम सब मनीष आमे जहा किछि अनुभव आसे ताकु प्रायत भाषा रे बा लेखा रे बा कोथिरे कोथिरे आमे रूप दवा पे चेष्टा करू रूप देवा को चेष्टा करू जेते बेले ही आमे रूप देवा को चेष्टा करू ता आक्षरिक केबे हेई पारे नाही ता कोन हुए टिके कमी जाए किंबा विकृत भी हेई पारे जदि आमर मनटी टिके बाह्य बेसी हेथिबो एवं स्वार्थ कैंद्रिक जदि हेथिबो तार त सरीगला कथा ताले से अनुभव को मु गोटे विराट उपलब्धि बोली भाभी से रिगार्डिंग निजर मान सम्मान मर्यादा बढ़ेबा पे चेष्टा करी सी हेले भारी डेंजर अवस्था
तेणु आम चेष्टा करू साधारणतः प्रायत व्याख्या करने रूप दवाप चेष्टा करू कहीं मनर काम से किंतु माँ से कथा कहते जे से एक अभिज्ञता आसे तुम ताक रूप दे पार बा न दे पार व्याख्या करपार बा न कर पार किंतु से आध्यात्मिक अभिज्ञता बोली केत कह माँ लिखुंट जे तुम्हें ये मौलिक पार्थक्य लक्ष्य कर पार आम जो चेतनार अच्छा सी जो अनुभवटी आसला ये आम कर समस्ते लक्ष्य करा अधिक स्पष्ट आउ परिच्छन्न अधिक शुद्ध आउ पवित्र आम ताको आध्यात्मिक अभिज्ञता कहीपर ननकर जो आमर साधारणत निजर जो आकांक्षाटी थाए निजर गोटे इच्छा थाए मते समस्ते भल कहतु मते समस्ते पूजा करतु मते समस्ते मान मर्यादा दिंतु सम्मान दिंतु भक्ति करतु यही मनोभावटी प्राय व्यक्ति पाखे थाए किसी ना एक थी मत समस्ते भल टे कहतु यो जिन थी बेले बेले से उच्च आकांक्षाटी गोटे गोटे प्रकार अनुभव आनीदे पारे जो तो अनुभव आनीदब ताकू आम आध्यात्मिक अभिज्ञता बोली भावी नवाटा एक भूल हम से माँ लिखुं ये खूब ऊर्ध स्तर आसी थी खूब ऊर्ध स्तर आसवा दरकार नहले आमे ताकु आध्यात्मिक अभिज्ञता जदि कहिबा ताले हुए तो आमर जो जो विरोधी शक्ति आम चतुर्पार्श्वर थी सी तार फायदा उठेब एवं मोर अहंकार को बढ़ेबार साहय कर तेणु आम देखा ता शुद्ध आ पवित्र होमती जाणी ना जिते बड़े जो अभिज्ञता आसब तार परिणाम स्वरूप देख एक विस्तार भाव आसुव एक विशाल भाव आसुव एक नैर्व्यक्तिक भाव नैर्व्यक्तिक मान व्यक्तिकेन्द्रिक भाव नाने मोर मुत्व यव नत समस्ते भल कहतु मोर मत कहीं मन कर कथा हम ये मोर जदि गुरुत्व कहीं नदे तेज मोर से मन दुख हम ना मत अधिक गुरुत्व दे मोर कौन प्रशंसार उछुड़ी पड़ी ना ताहले जानिबा जे से अभिज्ञता टी होची ऊर्ध स्तर आसी नहले जदि मो भीतर एक भाव रहिला कौन जाहु लोक मते चिन्ही पारुचंती नहले मते एते लोक केमती मते भलो बोली कहउचंती ता माने जानिबा से जो अभिज्ञता टी आसी थिला ताहा अति ऊर्ध स्तर आसीनी गोटे स्तर आसी जोटा कि खूब ऊर्ध स्तर नुह कहीं सी मो भीतर एक व्यक्ति केंद्रिक भाव सृष्टि कला मोर ए अभिज्ञता है मुड़े बड़ ज्ञानी मो भाया लोक संसार नहांती नहले एत लोक मत प्रशंसा करते ना मो बयस ये मोटु के बड़ बड़ अधिक बयस व्यक्ति भी मत कहते मु महान बोली मो भर से गुण ना मत कहते कि जो अनुभवटी आसब से अनुभवटी भितर बा अनुभव सहित जदि मूत्व भाव रहिला ताहले सेटा आध्यात्मिक अभिज्ञता नुह किंतु आध्यात्म जदि खूब ऊर्ध स्तर आसी थी ताहले आमको गोटे एमती एक अनुभव हम जेमती आम ये पृथ्वीर नुह आम चतुर्पार्श्वरे जो मैंने अच्छा समस्ते भगवान द्वारा सृष्टि मु मानने नी कौन गाँ कौन जिला कौन राज्य कौन देश भितर मु सीमित नी मोर बापा माँ को लेकिन मोर नमक बापा पु कि झी सी अभिज्ञता किसी रही जो सी अनुभवटी आसव अनुभव से अनुभव गुड़िक खूब ऊर्ध स्तर आसी थाए सी आम को एक विस्तार एक विशाल भाव आनी दिए आतरे नैर्व्यक्तिकता आसे बा आम कह व्यक्ति केन्द्र रु ऊर्ध को आसे कौन सी देश जाति कूल ये सब जिनस कौन सी भाव रहे ना से अनुभव रे हाँ से किसी समय आसिक चली जाइपे तापर पुणी आम को दैनंदिन अनुभव जोटा साधारण अनुभव आसी पारे कि पारे जो अभिज्ञता टी आसला ताहा अल्प समय रहिला एवं
ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ରହିଲା ନାହିଁ, ଅହଂବୋଧ ରହିଲା ନାହିଁ, ବିସ୍ତାର ବିଶାଳ ପ୍ରସାର ଭାବ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଭବଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ଥିର ନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମା ତାପରେ ବି କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ଯଦି ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ଚେତନାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମୋତେ ସେଇ ଅନୁଭବଟି ଦିଅନ୍ତିନି। ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତିନି। ଥରେ ହଠାତ୍ ଅତି ମାନେ ବିକଳ ହେଇକି କହିଲେ ମୋତେ ଥରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ କାଲିକି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଭଲରେ ଗାଧପାଧ ସାରି ଆସିଥିବ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠୁ ତା ପରଦିନ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବସେଇ ଦେଲେ, ବସିଲେ ତାପରେ ଧୀରେ କି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତଟିଏ ମାରିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ହାତ ମାରିବାର କିଛି କ୍ଷଣ ସିଏ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ଏକ ମାନେ ପୃଥିବୀ ବାହାରକୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶାନ୍ତ ନିରବ ଏକ ବିଶାଳ ଗୋଟେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଦୁନିଆ, ତା ଭିତରେ ସିଏ ନିଜେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ। ଏତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରର ଅନୁଭବ, ଏତେ ଶାନ୍ତ ନିରବ ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ମାନେ ପୁରା ପରିପ୍ଲାବିତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିଗଲା, ସିଏ ଯେତେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସେ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତାନି, ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର। ସେ କହିଲେ ନା, ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହବନି, ସେମିତି ହବନି। ତେଣୁ ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିପାରେ, ଆସିକି ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରେ, ଯାହା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଆମ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇଥିବ ଏବଂ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ନ ଆସିପାରେ ନ ଆସିପାରେ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ, ସ୍ୱାଭାବିକର ସ୍ୱାଭାବିକତା ଭିତରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ବାକ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ସବୁଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ଅଭିପ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମା ଇଏ ମୋ ଭିତରେ ଯେପରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁ। ଆଉ ନିଜ ଆଧାରକୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମା, ଆମେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ ସହିତ ଆମେ ସାରିବା। ମା 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 ମା